कैसी लगी फिल्म आपको बागी थ्री? क्या बात, अच्छी मूवी है, एक्शन से फिल्म मूवी है, बढ़िया। एंड टाइगर का, टाइगर श्रद्धा का, टाइगर श्रॉफ तो एकदम अच्छा लगा। एंड कहानी ने कितना बांध के रखा? कहानी इतनी खास नहीं है, वो साउथ की एक गुरबा मूवी है, सेम टू सेम कहानी बनाई है, वही कहानी। एंड गाने कैसे लगी? गाने दो ही गाने, ज़्यादा खास नहीं है। जो बागी टू है ऐसी ऐसी मूवी नहीं है, नहीं लव स्टोरी है, नहीं ज़्यादा खास कुछ वो नहीं है। दिशा का इसमें एक आइटम सॉन्ग है, दिशा कितनी अच्छी लगी है उस गाने? आइटम सॉन्ग अच्छा है। नहीं नहीं सॉन्ग के लिए नहीं, मुझे जो बागी टू मूवी लगी वैसी कुछ भी कहा। कितने स्टार? 3 स्टार। थैंक यू। ये बताओ मेन का रीजन। ओके तो पहले क्या कहना चाहेंगे, फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी। एंड टाइगर श्रद्धा कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। एंड एक्शन पसंद आया आपको? हाँ, एक्शन था और कॉमेडी भी बहुत अच्छा। एंड कहानी ने कितना, कहानी कितनी पसंद आई आपको? बहुत अच्छी लगी, इस टाइम अलग था थोड़ा। एंड गाने कैसे लगे? गाने भी अच्छे थे, सब अच्छे थे। इसमें दिशा के भी एक आइटम सॉन्ग है, कितना पसंद आया दिशा की? बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली एक ट्विस्ट था, पता नहीं था कि ऐसा कुछ रहेगा। ओके, टाइगर की एक्शन लाइक लोगों को बहुत पसंद आता है, आपको पर्सनली कितना उनका पसंद? मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली उनका डांस भी। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 5। रोले? ओके, पहले तो जानना चाहेंगे कितनी अच्छी लगी आपको बागी 3 मूवी देख के? मैं वेट कर रहा था कभी मेरा बोर्ड खत्म होगा और कब मैं बागी 3 देखूं मूवी, और बहुत एक्साइटेड था कि कभी देखूं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। टाइगर के? यस। एक्शन कितनी पसंद आई उनकी? मुझे सबसे अच्छा उसका एक्शन लगा, कि उसके पीछे उसका मेहनत कितना लगा, और उसने बहुत स्ट्रगल भी उसका मेहनत के ऊपर किया। उसने डांस सिक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। ओके, कहें कि टाइगर श्रॉफ एक दिन एक्शन के किंग बन ही जाएंगे? उसके पीछे उसने मेहनत जो इतना किया है तो फिर बनेगा वो। और मेरा दिल से अच्छा है, मतलब श्रद्धा काफ़ी मतलब गाली वाली देते हुए भी नजर आई है मूवी में। हाँ, श्रद्धा इस बार पहली बार उसका डिफरेंट कुछ दिखने लगा उसके रोल में, तो वो थोड़ा कॉमेडी अच्छा लगा और देखने भी अच्छा लगा थोड़ा। दिशा का आइटम नंबर है इसके अंदर, कितना पसंद आया है वो? और अब उसके ऊपर हम लोग को मालूम था कि दिशा डांस कर रही करके, और मुझे पता चला कि दिशा है, तो फिर थोड़ा एक्साइटेड हुआ। मतलब मेनली आप दिशा और टाइगर के लिए ही गए थे? नहीं, मैं टाइगर श्रॉफ ले गया था। टाइगर श्रॉफ ले गए थे। ओके, गाने कितने पसंद आए हैं और स्टोरी लाइन कितनी अच्छी लगी आपको? स्टोरी रिलेशनशिप में अच्छी थी, और लास्ट में थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा स्लो हुआ, बाकी सब में मुझे अच्छी लगी टाइगर श्रॉफ की, और रिलेशनशिप रितेश देशमुख की उसके पापा की, और उसने देश के लिए सब भाईचारा अपने, उसने लास्ट में जो मैसेज किया वो सबको ये करना चाहिए कि भाईचारा रह के जो जो लड़ाई हो रही है वो सब छोड़ के जो साथ रहेंगे वो अच्छा रहेगा सबके लिए। गाने कितने अच्छे, काफ़ी गाने रिक्रिएट हुए? हाँ, रिक्रिएट हुए, थोड़ा डिफरेंट भी थोड़ा ये लगा, और उसमें रीमेक करके थोड़ा यूनिक भी लगा गाने। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? आई विल गिव 3। थैंक यू। अच्छी मूवी है, स्टंट है, एक्शन मूवी है, टाइगर श्रॉफ एक्सेलेंट है। टाइगर श्रॉफ की एक्शन कितनी अच्छी लगी है? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। कहा जाए कि टाइगर श्रॉफ अभी किंग हो चुके हैं एक्शन मूवीज के? हाँ, लगता है इस ये पिक्चर देख के। इसमें श्रद्धा है, श्रद्धा का हाँ, उन लोग का रोल अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है। गाने कितने पसंद आए? काफ़ी गाने बहुत अच्छे हैं, लास्ट गाना तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आधा पब्लिक से चली जाती है। एक्चुअली वो गाना सब बीच में रखने चाहिए, अच्छे गाने, 10 गाने। इसमें दिशा के आइटम नंबर भी है, कितनी पसंद आई है आपको आइटम सॉन्ग दिशा पाटनी? हाँ, वो अच्छा है, अच्छा है वो, बीच में अच्छा लगा वो गाना। स्टोरी लाइन कितनी आपको लगी? कि दो स्टोरी, दो भाई की है, अच्छी है, अटैचमेंट है दोनों भाई में, एक को लगता है तो दूसरा चला जाता है। ओके, आउट ऑफ 5 कितना आप देना चाहेंगे? 3। थैंक यू सर। कहानी नॉर्मल था, कहानी में कुछ ऐसा यूनिकनेस नहीं था, सस्पेंस क्रिएट किया था बट फिर रुक गया, नॉर्मल लगा। एंड बागी 1 और 2 की बात की जाए तो उनसे बेटर ही, उससे बेटर है स्टोरी वाइज तो नॉर्मल है, एक्शन वाइज बेटर है। टाइगर की एक्शन कितनी पसंद आई? जैसे आप बोल रहे हैं एक्शन वाइज काफ़ी अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, एक्शन लेवल बढ़ा है, पहले वाले से लेवल बढ़ा है, बहुत सारे सीन्स थे जो पहले वाले में नहीं थे, अभी इम्प्रूव हुए। ओके, कहा जा सकता है कि टाइगर किंग ऑफ एक्शन हो चुके हैं? डेफिनेटली है। गाने कितने पसंद आए? काफ़ी गाने रिक्रिएट हुए हैं इसके अंदर। हाँ, गाने सारे अच्छे लगे, रिक्रिएट होता है तो खराब लगता है, बट यहाँ पे रिक्रिएशन ठीक था, मज़ा आया देख सुनने में। हाँ, दिशा का आइटम नंबर है इसके अंदर, कितना पसंद आई दिशा उस सॉन्ग? ठीक था, ऐसा लग रहा और अच्छा हो जाएगा, बट ठीक था। ओके, एंड उसी के साथ में अगर बात की जाए जिन गाने की इस तरीके से बात हुई है, 10 गाने का एक रीमेक हुआ है, दिशा का एक सॉन्ग है, तो वो कितना आपको अट्रैक्टिव लगता है?
दस बहाने भंकस ये गाने सारे अच्छे लगे परफॉर्मेंस अच्छा था थैंक यू बाबा कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं रियली बहुत उम्मीद करके आया था लेकिन दिमाग खराब हो गया बट क्यों आपको ये पसंद नहीं आया बैठने से आदमी बोल गया पहले 10 मिनट में ही मुझे लगा ये फालतू पिक्चर है कुछ पिक्चर में जान नहीं है स्टोरी एकदम कुछ बकवास पिक्चर तो स्टोरी जैसे गोपी किशन थी ना सुनील शेट्टी की एक भाई मारता है दूसरा नाम लेता है ऐसे बनाई वो छोटे भाई नहीं कुछ भी नहीं सेंस में गाने काफी रिक्रिएट कुछ भी है। नहीं है कुछ भी नहीं है यू गेट बोर्ड जब इतना सर दर्द हो जाता ना कि यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी एक्चुअली इतना बोर हो रहा है लोगों को काफी एक्शन अच्छी लगी टाइगर की आपको मुझे तो एक्शन एक्शन को क्या करेंगे जब पिक्चर जस्टिफाई स्टोरी भी तो जस्टिफाई करनी चाहिए ठीक है इधर एक्शन हीरो तो स्टोरी में दम होना चाहिए ना टू एंजॉय दैट थिंग जबरदस्ती की एक्शन दिखाई गई और कुछ नहीं है दिशा का आइटम नंबर अभी साइबर ऐसा क्या लिंक है हमारा पता ना साइबर लेके वहाँ लेके किडनैप करे थे आई डोंट वांट अ स्टोरी लाइक दैट कुछ भी नहीं दिशा क्या आइटम नंबर है इसमें अरे छोड़ दे यार उसी में तो मैं उठ के आ गया फिर आई कुडंट सिट टू ओके आउट ऑफ 5 कितना देना मैं तो 0 ही दूंगा आई विल नॉट टू गो एंड सी डोंट वेस्ट योर मनी थैंक यू सो मच सर काफ़ी अच्छी लगी अहमद खान का डायरेक्शन है और ये एक्शन थ्रिलर देखिए मुझे अच्छा लगा स्टोरी और अच्छी हो सकती थी बट ठीक है साजिद नडियादवाला की स्टोरी है और म्यूज़िक अच्छा है एक्शन सीन्स बहुत ही माइंड ब्लोइंग है सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज टाइगर की एक्शन कितनी अच्छी लगी है और बहुत अच्छी आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग फॉर हिज एक्शन सीन्स एंड ही हैज जस्ट रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ एक्टिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी आई थिंक ही इज़ इम्प्रोवाइज्ड ऑन इट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सीन में आए वो एक्शन सीन स्लो मोशन में इतने स्टनिंग लगते हैं कि आप बिल्कुल देखते रह जाएंगे डेफिनेटली आई थिंक पहले की बागी के वर्जन से आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यू नो इम्प्रूव्ड वर्जन और उनके साथ श्रद्धा कपूर हैं सो बीच में कॉमेडी टाइमिंग भी बहुत अच्छा है सबका रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर का उसके साथ साथ एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है जो इसके सिनेमेटोग्राफर है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा संतना रविचंद्रन एडिटिंग थोड़ा एडिट किया जा सकता था तो उसके लिए रामचंद्र भगत जो है इसके एडिटर उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इट कुड हैव बीन क्रॉप 15-20 मिनट्स बट म्यूज़िक अच्छा है दो तीन गाने जो रिमिक्स किए हैं बहुत अच्छे हैं एक तो बंकस जो तोहफा पिक्चर का गाना था वो उस टाइम बप्पी लहरी ने इसको कंपोज किया था और अभी ये गाने को रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने बहुत अच्छा है लास्ट में एक सॉन्ग था दस बहाने करके ले गए दिल वो भी बहुत अच्छे से रिमिक्स किया गया सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज ओके श्रद्धा की भी एक अलग ही अंदाज दिखी है एकदम डेयरिंग और एकदम कहे तो एकदम भंकस लग ही रही है वो मूवी में पूरे मुझे श्रद्धा कपूर और उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी टाइगर श्रॉफ की और रितेश देशमुख के साथ अनीता लोखंडे है जो टीवी एक्ट्रेस है उन्हें मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा शी गोस ओवरबोर्ड इन फ्यू सीन्स इट इज़ नॉट अ टेलीविजन इट्स अ मूवी बट काफ़ी सारे अदर कैरेक्टर एक्टर्स हैं वीरेंद्र सक्सेना और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं तो मुझे सबके रोल अच्छे लगे लेकिन आई थिंक टाइगर श्रॉफ आई थिंक ही हैज़ कार्व्ड अ निश फॉर हिमसेल्फ विद दिस मूवी क्योंकि जो भी एक्शन सीन्स हैं उनमें वो रियली कमेंडेबल हैं बहुत ही सेंशुअल आइटम नंबर था आई थिंक उन्होंने बिल्कुल आग लगा ली स्क्रीन पे जब वो स्क्रीन पे आया वो नंबर सो उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा दैट इन वन सॉन्ग शी अपीयर्ड एंड यू नो शी सेट द स्क्रीन ऑन फायर ओके दिशा के लिए वापस से ये मूवी लोग देखने जाएंगे डेफिनेटली दिशा के लिए नहीं टाइगर के लिए श्रद्धा का भी ठीक ठाक रोल है रितेश देशमुख मुझे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे बट फॉर एक्शन सीन्स आई विल से एक्शन सीन्स आर रियल एक्शन सीन्स आर रॉ जैसे कि इस फिल्म के फिल्म मेकर्स ने कहा था और वेरी इंटेंस तो आई थिंक लोगों को जाके देखनी चाहिए लोग इन्जॉय करेंगे आई विल गिव 3.5 थैंक यू सो मच